हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग नर्सरी से लाए हुए पौधे को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि कैसे इसको यहाँ पर रिपॉट करेंगे, कैसा गमला लेंगे, कौन सा साइज लेंगे, क्या पॉटिंग सॉइल लेंगे और क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये देखिए, ये हर प्लांट के लिए एक क्वालिटी होती है पॉटिंग सॉइल की, कि वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए मैं जो लेती हूँ वो कॉम्पोजिशन वो लेती हूँ 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 वर्मी कम्पोस्ट और 1/4 सैंड। और इसके अलावा दो चीज और, बोन मील और नीम खली थोड़ी थोड़ी। तो ये मिक्स कर देंगे इसको। और जनरली हम लोग जब नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, उससे पहले हम लोग पॉटिंग सॉइल तैयार करके जाते हैं एटलीस्ट 1 वीक इन एडवांस, ताकि ये सारी चीज़ें मिल जाए। अभी मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें अभी मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो मैं पॉटिंग सॉइल बना के रखती हूँ और वो यूज़ हो जाती है। और जब पॉटिंग सॉइल यूज़ करते हैं, जब रिपॉट करते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट हो, थोड़ा मॉइस्ट हो सॉइल, तो पॉटिंग बहुत ईजी रहती है। और जो ये प्लांट लेके आते हैं, इसमें भी अगर आपने पानी अगर एक आध दिन, 3-4 दिन अगर रखा हुआ है आपने और ये ड्राई हो गया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा मॉइस्ट रखेंगे तो निकालना और लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो होगी पॉटिंग मिक्स के बारे में। ये मैं मिक्स कर देती हूँ इसमें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई और ये पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेनिंग सॉइल बन गया है। थोड़ा सा इसमें मैंने फंगीसाइड डाला है, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये फंगीसाइड है। फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स में रेनी सीजन में और विंटर्स में, तो दोनों में थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली होती है ओवर वाटरिंग से, अगर वेल ड्रेन सॉइल हो और राइट पॉट हो। ये देखिए, ये मैंने कोलियस का साइज देखिए, ये वाले प्लांट का, और ये मैं पॉट लेके आई हूँ। ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है और इसमें अच्छा बड़ा ड्रेनेज होल है देखिए ये। और इसके लिए ये जो लेके आई हूँ, ये अंदर से ऐसे दबा हुआ है, ऊपर से उभरा हुआ है, ये पॉट का ही पीस है, तो इसको उल्टा करके लगाऊंगी ऐसे करके। ये लग गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइड लीव्स डालूंगी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक दो आप छोटे पीसेस ऑफ कोल या फिर ब्रिक रख सकते हैं। ये किस में हेल्प करेगा आपको? ड्रेनेज में हेल्प करेगा, वाटर रिटेंशन थोड़ा हेल्प करेगा। तो ये अब मैंने मॉइस्ट कर लिए थोड़ी सॉइल, थोड़ी सी मॉइस्ट की है ताकि पॉटिंग इजी हो। ये मैंने इसको थोड़ा यहां से निकाल ली मिट्टी। ये पीछे से इसको पुश करने से ये आगे से निकल आता है ऐसे करके। ये इनकी सॉइल ठीक लग रही है मेरे को, और इसके अंदर टोकरी भी नहीं है। मैंने थोड़ा टोकरी के लिए चेक किया है। और बहुत ज़्यादा रूट बोल, अगर मिट्टी ठीक है तो एकदम डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसकी रूट निकल आई है और इसको ऐसे ही मैं प्लांट कर दूंगी। टोकरी के लिए ज़रूर चेक करा करिए, टोकरी अगर होती है तो रूट उसमें से निकल नहीं पाती और वो रूट बाउंड हो जाता है एकदम। पॉट साइज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर पॉट साइज करेक्ट है तो ओवर वाटरिंग का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, इसके पॉट साइज के लिए एकदम ठीक है, और पॉट साइज आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो नर्सरी से आप सीजनल प्लांट्स लाएंगे जो 3-4 महीने खाली फ्लावरिंग देंगे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। अगर वो बहुत फैलने वाला है जैसे पिटोनिया है, तो थोड़ा बड़ा पॉट भी ले सकते हैं 8 इंच का, और उसमें एक बहुत छोटी सी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाती है। और रीपॉटिंग के बाद आप पानी ज़रूर ज़रूर डालिए, और डालेंगे कैसे, रिम के चारों तरफ, और नीचे से मॉइस्ट सॉइल। बहुत ज़्यादा पानी देने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स आपने देखी थी थोड़ी शैलो ही है। और जब ये सूख जाएगा पानी, तब मैं नेक्स्ट वाटरिंग करूँगी। और ये पूरी रीपॉटिंग और वाटरिंग करने के बाद आप इसको एटलीस्ट फॉर अ वीक थोड़ा शेड में रखिए, नहीं तो 3-4 डेज, और उसके बाद आप इजीली इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। आई होप आपको ये रीपॉटिंग ऑफ प्लांट
ब्रॉट फ्रॉम नर्सरी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।